आज हम आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे रहस्यमय रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि इस भूतिया स्टेशन का रहस्य ही कुछ ऐसा है जिसे सुनने के बाद लोगों को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई स्टेशन हो सकता है। इस स्टेशन से जब भी कोई ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता है और ट्रेन में बैठे यात्री ट्रेन की खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। जब तक ट्रेन इस भूतिया स्टेशन से गुजर नहीं जाती तब तक लोग डरे सहमे चुपचाप स्टेशन से ट्रेन गुजर जाने का इंतज़ार करते हैं। भले ये बात आपको अजीब लगे लेकिन यह बिल्कुल सच है। इस स्टेशन के खुलते ही यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर एक लड़की को चलते हुए देखा है जो हमेशा सफ़ेद साड़ी पहने हुए दिखाई देती है। आखिर कौन है वो लड़की जिसने लोगों के मन में दहशत और खौफ पैदा कर दिया है? आखिर हिंदुस्तान की किस जगह पर है ये खौफनाक भूतिया स्टेशन? दोस्तों, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बगल में दिखाई दे रहे घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम जिस भूतिया स्टेशन के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो स्टेशन कहीं और नहीं बल्कि कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल का एक जिला जो कि पुरुलिया के नाम से मशहूर है। इस जिले में एक स्टेशन है बेगुन कोडार और ये स्टेशन 42 सालों तक बंद पड़ा रहा और वो भी एक लड़की की वजह से। लेकिन जब आप इस स्टेशन के बंद होने की वजहों के बारे में जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि इस स्टेशन पर एक लड़की का भूत रहता है। शाम होते ही यहाँ पर सन्नाटा होने लगता है। बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन की शुरुआत सन 1960 में हुई थी लेकिन इस स्टेशन को 7 साल के बाद ही बंद करना पड़ गया। स्टेशन के आसपास जो बिल्डिंग है वो भी पूरी तरह से सुनसान पड़ी हुई है। आपको बता दें कि इस स्टेशन को खुलवाने में संथाल जनजात की रानी लाचन कुमारी का अहम योगदान रहा है। लाचन कुमारी ने स्टेशन के लिए एक बड़ा अनुदान रेलवे को दिया था। इस स्टेशन को खुलवाने का मकसद उनके समुदाय के लोगों की जिंदगी बेहतर करना था। स्टेशन खुलने के बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा लेकिन बाद में यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। इस स्टेशन के साथ इतनी डरावनी कहानियाँ हैं कि अब इसे भूतिया स्टेशन कहा जाने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस समय स्टेशन खुला उसी समय स्टेशन मास्टर को ट्रैक पर एक अजीब सी महिला दिखाई दी। इस स्टेशन को लेकर असली परेशानी उस समय शुरू हुई जब बेगुन कोडार के स्टेशन मास्टर और उनके परिवार वालों की लाश रेलवे क्वार्टर में मिली। यहां रहने वाले लोगों का दावा था कि इनकी मौत के पीछे स्टेशन पर रहने वाली इसी महिला भूत का ही हाथ है। कई लोगों का मानना है कि सूरज ढलने के बाद जब कभी कोई ट्रेन वहां से गुजरती है तो महिला भूत उसके साथ साथ दौड़ने लगती है और कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़कर आगे निकल जाती है। स्थानीय लोग और आसपास के गांव वाले सलाह देते हैं कि शाम 5:30 बजे के बाद इस जगह पर जाना समझो अपनी मौत को दावत देने के जैसा ही है। स्टेशन के आसपास धान के खेत हैं और दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं है। स्टेशन को देखना अपने आप में ही डरावना अनुभव है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।